बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद आरोपों में घिरी उनकी एक्स गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के समर्थन में आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान खुलकर आ गई। दरअसल रिया की गिरफ्तारी को लेकर मीडिया का ट्रायल भी काफी आलोचना के केंद्र में रहा, लेकिन बीते दिनों इस केस से जुड़े मामलों में कई घटनाक्रम बदलते दिखाई दिए, इसके चलते चर्चाएं भी काफी रही। हाल ही में ट्विटर पर एक यूजर को जवाब देते हुए सोनी ने कहा कि रिया के जेल जाने से वही लोग एक्सपोज हुए जिन्होंने एक्ट्रेस को जेल भेजा। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि रिया बिल्कुल बेकसूर थी और उन्हें फंसाया गया। दरअसल एक ट्विटर यूजर ने रिया पर टिप्पणी करते हुए लिखा था कि रिया जेल गई थी और उनका करियर अब खत्म हो गया है। इस पर सोनी राजदान ने यूजर को लिखा और करारा जवाब दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में आगे कहा कि रिया चक्रवर्ती ट्विस्ट डिजाइन की मासूम विक्टिम थी और उन्हें लगता है कि वे बहुत अच्छा काम करेंगी, इसकी उम्मीद भी इन्हें काफी है। वैसे इन दिनों रिया चक्रवर्ती भी अपने पास्ट को भूलने की कोशिश में लगी हुई हैं, क्योंकि पिछले दिनों उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसके बाद उनके फैंस ने अंदाजा लगाया कि वे पुरानी बातों से मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हैं। खबर है कि रिया जल्द ही बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं। वहीं सोनी राजदान के अलावा रिया के करीबी दोस्त रूमी जाफरी ने भी उन्हें सपोर्ट किया। हाल ही में रूमी जाफरी ने एक न्यूज पोर्टल से बातचीत में रिया की वापसी के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया था कि रिया जल्द ही इन सबसे बाहर आ जाएंगी। जाफरी ने कहा कि रिया एक टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं और जल्द ही वापसी करेंगी। इसके अलावा रिया के केस में बॉलीवुड के दो गुटों में बंट जाने पर रूमी जाफरी बोले कि लोगों ने इस मुद्दे पर अपनी राय बना ली है। आगे उन्होंने कहा कि अभी भी हमें न्यायपालिका को अपना फैसला देने के लिए इंतजार करना चाहिए और रिया की भी निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए। फिल्म निर्माता ने यह भी कहा कि उनके पास उन लोगों के लिए सबसे अधिक सम्मान है जिन्होंने उनका समर्थन किया। आपको ये भी बता दें कि सुशांत की मौत के बाद से उनके परिवार वालों ने रिया पर मनी लॉन्ड्रिंग और सुशांत को ड्रग्स देने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद ईडी, एनसीबी और सीबीआई जैसी देश की बड़ी एजेंसियों ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कार्रवाई की। ड्रग्स एंगल में रिया को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब जब से रिया जेल से बाहर आई है उन्होंने अपनी करियर को नई दिशा देने की कोशिश शुरू की है। आपको हमारी यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।